नमस्कार, मैं शिवांगी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में। आज क्या खास है? आज 5 जुलाई है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है। इतिहास के पहलू से अगर हम देखें तो आइए हम राजेश मेहरा जी से जानते हैं कि 5 जुलाई को क्या कुछ ऐसा खास घटा। इतिहास के पन्नों के अनुसार 5 जुलाई को क्या कुछ खास है? मेहरा जी, आज 5 जुलाई है, आज क्या कुछ खास है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद शिवांगी। आज 5 जुलाई है, आज सबसे पहले हम दर्शकों को बताएंगे कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। जी। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है और उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है। महाभारत के रचयिता व्यास जी का जन्म 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जी। तो व्यास जी को ही सभी 18 पुराणों का रचयिता भी माना गया है। जी। इतना ही नहीं, व्यास जी को ही वेदों का विभाजन करने का श्रेय भी प्राप्त है। जी। कहीं कहीं गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। जी। और पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा भी है। जी। इस दिन घर बड़े बुजुर्गों और जिनसे भी हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखा है और जिनके प्रति हम सम्मान करते हैं और उनको हम सब कुछ अर्पित करने का ये दिन है, क्योंकि गुरु से जो शिक्षा लेते हैं उनको हम गुरु का सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। जी। तो उनको अपना जो है समर्पित करते हैं, अपना जो कुछ भी हम सीखते हैं उनसे। जैसे दूसरी बात करें तो आज के दिन से ही जैसे वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला है, सावन आने वाला है और सावन के दिनों में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो भी दिन आने वाला है। और कल को पहला जो है वो सोमवार होगा, वो सावन का पहला सोमवार होगा। सभी लोग जो आस्था रखते हैं भगवान शिव पर वो व्रत भी रखेंगे और सावन के व्रत का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये मौसम वर्षा ऋतु का पढ़ने के लिए, श्रेष्ठ विद्वानों के लिए, अध्ययन कार्य के लिए वर्षा ऋतु को सबसे उपयुक्त माना गया है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को वर्षा ऋतु में भी माना जाता है। माना जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, तो मौसम बहुत बढ़िया गिना गया है। इसलिए पढ़ने के लिए जो समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुरातन काल में गुरुकुल में इस ऋतु में विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य पर विशेष बल दिया जाता था। इस ऋतु में गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और बल दिया जाता था। और इस समय ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये गुरु पूर्णिमा की एक अलग सी महत्व है, उसकी एक अलग परंपरा है। तो गुरु पूर्णिमा की जो तिथि है वो कल बता दें, कल से ही शुरू हो चुकी है 4 जुलाई प्रातः से 11:33 से, और आज जो इसकी गुरु पूर्णिमा का जो समापन होगा वो 5 जुलाई है, आज 10:13 बजे तक होगा। जी। तो मेहरा जी, आज चंद्र ग्रहण भी है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल आपने सही बताया जानकारी के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद ये चंद्र ग्रहण है जो साल का तीसरा चंद्र ग्रहण माना गया है। जी। तो जो गुरु पूर्णिमा के दिन ही जानी 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा आदि का जो है कार्य पूर्ण करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसमें सबसे पहले जो है वो जो आस्था रखते हैं वो इसमें भक्ति की ज्यादा आस्था रखते हैं। जब जब चंद्र ग्रहण जब सूर्य ग्रहण लगता है तो भक्ति की जाती है, तो भक्ति बड़ी महत्व है। और कुछ लोग जो सिद्धियां भी करते हैं वो चंद्र ग्रहण जब सूर्य ग्रहण के दिन वो उसमें अपना जो मंत्र जाप है उसको करते हैं ताकि उनको एक मंत्र सिद्धि प्राप्त हो, तो इसकी बहुत महत्वता है, खास करके पूर्णिमा के बाद जो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये अषाढ़ पूर्णिमा के दिन लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020 को रविवार को आज सुबह 8:37 पर शुरू होगा। इसके बाद चंद्र ग्रहण सुबह 9:59 पर अपने सबसे अधिकतम प्रभाव में होगा। तो चंद्र ग्रहण दिन के 11:22 पर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार ग्रहण 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड तक रहेगा, तो इसके बहुत महत्व है। तो आज के दिन 1996 की बात करें तो 1996 में स्कॉटलैंड के रॉसलिन संस्था में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार किसी सतनधारी जीव से निकाली गई कोशिका का क्लोन बनाया था। जी। तो ऐसे ही आज के दिन 1954 में बीबीसी ने पहला टेलीविजन प्रसारण किया था जिसकी अवधि सिर्फ उस टाइम 20 मिनट थी। जी।
तो आज के दिन बात करें 1954 की ही, तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की वो उस दिन स्थापना हुई थी। तो आज ही के दिन और बात करते हैं 1975 में 31 साल के अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी जो आर्थर एश है, जो 5 जुलाई को 1975 को विंबलडन की एकल प्रतियोगिता में जीतने वाले पहले ब्लैक जो व्यक्ति थे, तो उसका भी बहुत महत्व है। इसी तरीके से आज ही के दिन 2004 में इंडोनेशिया में पहला राष्ट्रपति चुनाव जो था वो आयोजित हुआ। तो ये कुछ घटनाएं थी जो एक सुर्खियां थी कह सकते हैं, हमारे इतिहास के गोल्डन पन्नों पर लिखी हुई हैं जो हम याद करते हैं। लेकिन सब जहां दर्शक हमारे सामने बैठे हैं, मैं यही बताना चाहूंगा जो आज की युवा पीढ़ी है, हो सकता है उनको मालूम हो, लेकिन हमारी ये एक ड्यूटी बन जाती है कि हम आपको इस हमारे अपने जो इतिहास हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसको आपको स्मरण कराएं। और खास करके जो हमारे बुजुर्ग सुनते हैं उनको तो शायद पता ही होगा इन घटनाओं के बारे में, लेकिन हम जो कुछ घटनाएं दी हैं वो 100 साल पहले की हैं, कुछ 200 साल पहले की हैं। तो ये घटनाएं जो हम याद करते हैं ताकि इतिहास को हम स्मरण रखें जी। तो ये थी आज कुछ 5 जुलाई की कुछ विशेषताएं जो इतिहास में जो स्मरणीय है, जो इतिहास के पन्नों पर अंकित है। मेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया 5 जुलाई की तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, इतिहास के पहलू को देखते हुए। ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और जानते रहिए कि आज क्या है खास। इतिहास के पन्नों के अनुसार, तिथि के अनुसार क्या कुछ खास है, इतिहास से इसका क्या कनेक्शन, इसके बारे में हम तमाम जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। ऐसे आप बने रहें आत्मचरण के साथ। वक्त हो चला है विदा लेने का, हमें दे इजाजत, फिर होगी मुलाकात आपके अपने प्रोग्राम के साथ।